एनिमल मूवी देखे ना? कैसी ना, देखी सर? अभी नहीं देखा अभी। थी अच्छी हो सकती थी, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि जैसा नाम था टाइटल का तो लग रहा था कि चलो कुछ अच्छा देखने मिलेगा और ज़्यादा वायलेंस होगा फर्स्ट हाफ में जो था, बट सेकेंड हाफ होते होते काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था कि जिसके बारे में इतनी हाइप थी तो वो हाइप पे खड़े नहीं उतरे। क्या कहोगे आप रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री के बारे में? फीकी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी। अगर रश्मिका की जगह कोई और एक्टर होती तो शायद वो इम्पैक्ट छोड़ देती, बट नो। म्यूजिक और बीजीएम की बात करें, बीजीएम स्कोर वॉज सुपर, मैं उसके लिए पूरे मार्क्स देना चाहूँगी। म्यूजिक भी अच्छा था, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, बी प्राक का सॉन्ग है, दोनों सॉन्ग बहुत अच्छे थे। अगर स्टोरी की बात करें तो बाप बेटे की बॉन्डिंग दिखाई है, तो अनिल कपूर जो फादर बने हुए हैं तो उनके बारे में क्या बोलोगे? वो खरे उतरे हैं, उन्होंने जो उनका कैरेक्टर था एक फादर और सन का, उनके सारे इमोशन दिखे, एंगर, जेलिसी, रिवेंज, वो सब देखने मिला जो एक हम एक आम दुनिया में देखते हैं। सिमिलरली वो उनके बीच में जो बॉन्ड था वो देखने मिला ऑन स्क्रीन। वो भी बोल दिया इस मूवी में, वो सब बोल रहे कि बहुत बड़ा कमबैक किया है उनके बारे में। हाँ, उनकी सेकंड एंडिंग है। हाँ, वो कमबैक अच्छा था, बट आई विश उनका स्क्रीन टाइम कुछ ज़्यादा होता तो मुझे और अच्छा लगता। बींग म्यूट, वो गूंगे थे, नहीं भी थे, बट फिर भी उन्होंने एक अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा। जब भी स्क्रीन पे आए वो उनका स्क्रीन प्रेजेंस वो दिखा गया कि ही इज़ लॉर्ड बॉबी देओल फॉर रीजन। अगर डायरेक्टर की बात करें तो संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी, और लोग कंपेयर भी करें, क्या लगता है आपको कि कौन सा बेटर लगा इसे आराम? जब भी साउथ के डायरेक्टर बॉलीवुड एक्टर के साथ करते हैं वो उनका फुल पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, जो इस मूवी में आपको देखने मिलेगा। तो या अच्छा लगा मूवी। गाने की बात करें तो आपको कौन सा गाना जो बी प्राक का जो भी चल रहा है सॉन्ग वो बहुत अच्छा लगा। एंड में कुछ हिंट भी दिया गया मूवी के? हाँ, एक प्लॉट के एक ट्विस्ट के साथ दिया गया है जो मैं रिवील नहीं करूंगी। सो या आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। 3/5। थैंक यू। नाइस मूवी, लवली मूवी। हाउ इज द एक्शन सीन? बहुत जबरदस्त। हाउ इज द मूवी सर? अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। एक्शन कैसा लगा? एक्शन तो सुपर डुपर हिट। बात करें दोनों के काम की, आरके एंड बॉबी देओल, कैसे लगे? आरके आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर, बॉबी देओल एज यूजुअल। हाँ, और दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी, आरके एंड रश्मिका की? आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी गॉट टू सी देम, तो यू नो अभी एक दो फिल्म्स के बाद में समझ में आएगा। वन फिल्म के नॉट टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, लेकिन जो भी था अच्छा था। फादर एंड सन की बॉन्ड कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट इज़ द टचिंग पार्ट ऑफ द फिल्म। गाने की बात करें, गाने कैसे लगे? गाने तो मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ ब्रो, बट यू नो व्हाटएवर आई हर्ड इट वाज़ गुड। बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? बेस्ट पार्ट ऐसा है ना, अभी इन दिस फोरम आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट, थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना मेरे को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, उसके बाद में शायद। पांच में से रेटिंग्स कितने देंगे सर? 5/4। थैंक यू सर। स्टोरी ये भी देगी बहुत अच्छी थी। क्या बात करते हैं एक्शन की, एक्शन कैसे लगे? एक्शन भी बहुत अच्छा था, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। गाने कैसे लगे? गाना तो जबरदस्त था। पांच में से रेटिंग्स कितने देंगे? 5/5। थैंक यू सर।